आरसीबी की जनाना टीम ने जब WPL की ट्रॉफी जीती तो तमाम लोगों को लगा कि शायद मर्दाना टीम भी इस साल कहेगी कि इस साल कप नाम तो। लेकिन साल बदला, प्लेयर बदले, कुछ नहीं बदले तो आरसीबी के हालात। और अब ऐसा लग रहा है कि इस साल के बाद कई और साल भी यही गाना गाना पड़ेगा, इस साल कप नाम दे। आरसीबी ने 5 मैच खेले हैं जिसमें एक पंजाब वाला मैच हटा दे तो सभी 4 मैचों में बड़ी बेइज्जत होकर उन्हें हार मिली। पहले CSK ने 6 विकेट से कूटा, KKR ने 7 विकेट से पटका, अब राजस्थान ने 6 विकेट से पटका है और लखनऊ ने 28 रनों से हराया था। और बैक टू बैक मैच हारने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरसीबी वाकई में जीतने के लिए खेलती भी है या खाली खेलने के लिए खेलती है, क्योंकि आरसीबी के लक्षण देखकर लग रहा है कि बेटा तुमसे इस साल भी नहीं हो पाएगा। हालांकि राजस्थान रॉयल जरूर कह रही है कि हमसे हो पाएगा, हमारी तरफ देखिए ना, हम 4 मैच खेले हैं, 4 के 4 जीत कर आए हैं। हम LSG को हरा कर आए हैं, DC को हरा कर आए हैं, MI को उनके घर में हराया है और RCB को हराने का भी फक्र हमें है। बैक टू बैक मैचेस वो जीत रहे हैं। संजू सैमसन और उनकी आर्मी जो है वो कमाल की बल्लेबाजी कर रही है, कमाल की गेंदबाजी कर रही है और कमाल की फील्डिंग कर रही है और एंटायर एफर्ट का ही असर है कि फिलहाल वो IPL की नंबर 1 टीम बने बैठे हैं। सबसे शानदार बात जो राजस्थान रॉयल्स के लिए रही कि जॉस द बॉस जो है वो वापसी करे। और आज राजस्थान से कोई पूछे कि हाउ इज द जोश तो कहेंगे जोश नहीं सर, जॉस द बॉस, ये कहानी, क्योंकि जॉस बटलर ने 6ठा शतक जो है वो लगाया है। 57 बॉल पर 94 रन बनाकर वो खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को 1 रन चाहिए था, 6 बॉल बाकी थी, लेकिन फिर जॉस बटलर ने एक छक्का मारा और उस छक्के से उन्होंने अपना शतक पूरा किया और RCB को बेइज्जत करने में एक बड़ा कदम उठा दिया। हालांकि जॉस RCB के सामने चाइनीज माल की तरह है, या तो चलेंगे चांद तक नहीं तो शाम तक। 4 मैचेस अगर आप लास्ट देखोगे तो 106 रन, फिर 0-0 और उसके बाद फिर 100 रन। विराट ने भी शतक लगाया था, लेकिन विराट के शतक को अब लोग जॉस के शतक देखने के बाद पूछ रहे हैं कि वो रन मशीन वाला शतक था या स्लो मशीन वाला शतक था, क्योंकि विराट का शतक इस IPL का स्लोवेस्ट शतक था, जो अपने आप में एक सवालिया निशान है। हालांकि बटलर का ये 100 मैच था और 100 मैच में शतक लगाना कमाल है। लेकिन RCB के फैंस एक बार फिर परेशान हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार नया साल है, नई टीम है, लेकिन हर साल का नतीजा वही है। हर साल पैसा जो है वो थोक के भाव खर्चा होता है बैट्समैन के ऊपर कि मानो हर साल वो 230-240 बनाएंगे, लेकिन अगर आप 200 भी नहीं छू पाते हो तो फिर गेंदबाजों पर ब्लेम क्यों करना, फील्डर्स पर ब्लेम क्यों करना, और ये कब तक चलेगा। कई लोगों का मानना है कि RCB जब ऑक्शन में आती है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेन कल्प्रिट जो है उनके मैनेजमेंट हैं, बल्लेबाज हैं, कप्तान हैं। अब कौन है, कितना है, क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन RCB लगातार मैचेस हार रही है और इस हार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि RCB ने पिछले मैच में विजय कुमार को ड्रॉप किया था और इस मैच में महिपाल लोमरोर को ड्रॉप किया और ये सब परफॉर्मर वाले प्लेयर हैं। RCB की बात की जाए तो बल्लेबाज सुपर फ्लॉप चल रहे हैं, केवल विराट कोहली 316 रन बनाए हैं, उसके बाद 1/3 हो जाता है। फाफ डुप्लेसी 109 रन, कार्तिक 90, अनुज रावत 73, कैमरन ग्रीन 68, पूरी टीम जो है वो खत्म है। संजू सैमसन की टीम के लिए शानदार ये है कि अगर आप जयसवाल को हटा दें तो बाकी जितने खिलाड़ी हैं लमसम सब फॉर्म में आ गए हैं और ये उनकी टीम के लिए कमाल की बात है, क्योंकि धीरे धीरे वो टीम गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में काफ़ी मजबूत होती जा रही है। उनका लोअर ऑर्डर ही मजबूत हो रहा है और उनका टॉप ऑर्डर जो है वो भी कमाल कर रहा है। संजू सैमसन खुद परफॉर्म कर रहे हैं, 42 बॉल पर 69 रन बनाए और इस IPL में हाइएस्ट रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं वो, तो ये कमाल है। RCB हारी है लेकिन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स उनके नाम फिर जुड़े हैं, 18 शतक उनके नाम हो गए हैं, जबकि पूरी इंडिया को मिला दिया अगर टीम इंडिया को, इंटरनेशनल टीम, तो उसके नाम अब तक 17 शतक हैं। पंजाब के नाम भी 14 हैं, लेकिन पंजाब और RCB ये दोनों वो टीम है जो आज तक एक ट्रॉफी नहीं जीती, जो बताता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आती हैं लेकिन वो मैच जिताने वाली परफॉर्मेंसेस या ट्रॉफी जिताने वाली परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं। हालांकि विराट ने इस मैच में सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा कैचेस का, 110 कैच पकड़े। विराट ने 72 बॉलों पर 113 रन बनाए थे, जिसको लेकर कोई उन्हें रन मशीन कह रहा है, कोई स्लो मशीन कह रहा है। स्लो मशीन कहने वाले बटलर से कंपेयर करते हैं और रन मशीन कहने वाले कहते हैं कि बाकी जो टीम थी वो 48 बॉल पर 59 रन बना पाई, ऐसे में क्या कहा जाए। लेकिन सवाल यही है कि विराट की टीम की कहानी कब बदलेगी, इनके दिन कब बदलेंगे और कब तक ये चलता रहेगा, इस साला कप नाम दे, कप नाम दे। अरे कब वो दिन आएगा जब इस टीम का खून खोलेगा और कहेंगे इस साला कप नाम दे।